इस बीच रायपुर से अहम खबर आपको बता दें, जहां दूसरे चरण के चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया जारी हो चुकी है। राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र से भूपेश बघेल कल अपना नामांकन दाखिल करेंगे, महासमुंद से ताम्रध्वज साहू कल दाखिल करेंगे नामांकन और कांकेर से बीरेश ठाकुर 3 अप्रैल को नामांकन दाखिल करेंगे। पीसीसी चीफ दीपक बैज, नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत मौजूद रहेंगे। 4 अप्रैल को है दूसरे चरण के नामांकन की अंतिम तारीख। तो पीसीसी चीफ दीपक बैज, नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत मौजूद रहेंगे। 4 अप्रैल को दूसरे चरण के नामांकन की अंतिम तारीख है और ऐसे में दूसरे चरण के चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया जारी हो चुकी है। तो राजनांदगांव से भूपेश बघेल कल अपना नामांकन दाखिल करेंगे। विशेष संवाददाता गौरव शर्मा लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गौरव, क्या जानकारी, कौन कौन अपना नामांकन दाखिल करने जा रहा है और किस तरह का शक्ति प्रदर्शन दिखाई देगा उस वक्त? छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण में 3 सीटों पर नामांकन की प्रक्रिया लगातार जारी। राजनांदगांव, महासमुंद और कांकेर लोकसभा सीट में नामांकन की प्रक्रिया जारी है। 4 अप्रैल को अंतिम तिथि, ऐसे में कल 2 स्थानों पर कांग्रेस के प्रत्याशी नामांकन दाखिल करेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, जो राजनांदगांव से लोकसभा के प्रत्याशी बनाए गए, कल वे शक्ति प्रदर्शन के साथ अपना नामांकन दाखिल करेंगे। इसी के साथ साथ महासमुंद लोकसभा क्षेत्र से ताम्रध्वज साहू भी कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन दाखिल करेंगे। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज और नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत समेत तमाम जो दिग्गज हैं वो इन दोनों ही नामांकन में शामिल होंगे। इसका समय इस तरह से रखा जाएगा कि दोनों नामांकन दाखिले की प्रक्रिया में वरिष्ठ नेता शामिल हो सकें। तो शक्ति प्रदर्शन के साथ नामांकन दाखिल करने की जो प्रक्रिया है वो कल होगी। इसके बाद 3 तारीख को बीरेश ठाकुर कांकेर लोकसभा से अपना नामांकन दाखिल करेंगे। उनके नामांकन में 20 अप्रैल यानी कांकेर, महासमुंद, राजनांदगांव के लिए इलेक्शन हो रहा है और इसके लिए नामांकन की प्रक्रिया जारी होने जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए गौरव। तो पहले चरण में आपको बता दें 19 अप्रैल जहां पर बस्तर में चुनाव होना है, दूसरे चरण के लिए यानी 26 अप्रैल कांकेर, महासमुंद और राजनांदगांव में इलेक्शन होना है, इसके लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू होने वाली है।